गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप देख रहे हैं ट्रेवलर एमी की एक और नई वीडियो। मैं आशा करता हूं जो मेरी लास्ट वीडियो थी मेरे बर्थडे से रिलेटेड वो आपको काफी मजा आया होगा। ट्रस्ट मी, मेरा जो लास्ट वाला वीडियो था वो मुझे खुद भी काफी अच्छा लगा क्योंकि कुछ हटके बर्थडे को सेलिब्रेट किया था। तो आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा और मुझे काफी मजा आया। और ये जो वीडियो है ये उससे कुछ मिलता जुलता ही है क्योंकि इस वीडियो में मैं एक अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ जो मेरे को गिफ्ट मिला है। सो फाइनली बर्थडे का सबसे महंगा गिफ्ट मुझे मिला है और मैं उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। वो गिफ्ट ऐसे है जो मेरी वीडियोस में मेरे को बहुत हेल्प करेगा गोइंग फॉरवर्ड। सो लेके चलता हूँ आपको और उसकी अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। सो फाइनली मैं बैठ चुका हूँ उस चीज की अनबॉक्सिंग करने के लिए। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ। सो पैकेज को लाया जाए। सो ये जो पार्सल है ये मेरे को अमेजोन से रिसीव हुआ है और अभी मैं फाइनली रिवील करता हूँ कि इस बॉक्स में है क्या बेसिकली। वो टेंटेड है, दिस इज द GoPro 12 और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था iPhone 15 प्लस और GoPro के बीच में। सो बहुत सी रिसर्च करने के बाद मैं एक पॉइंट पे पहुंचा जहां पे मुझे लगा कि नहीं, GoPro ही बेस्ट है, GoPro 12 ही बेस्ट है। सो ऐसा कुछ होने वाला है इसका बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो हीरो GoPro 12 की ब्रांडिंग है और पीछे भी कुछ सिमिलर है और यहाँ पे इस तरफ इसके कुछ जो भी इसके फीचर्स हैं, जो मेन फीचर्स हैं इसके, वो यहाँ पे दिए हुए हैं सारे के सारे। तो जैसे आप इसको ओपन करोगे पहले आपको कुछ केस मिल जाएगा GoPro का। यहाँ पे भी यहाँ पे GoPro की ब्रांडिंग है और साथ में करते हैं ओपन। और ये रही प्यारी सी चीज जो जिसका मैं काफी टाइम से वेट कर रहा था, काफी टाइम से प्लान कर रहा था। दिस इज GoPro 12। इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं, बाद में ओपन करते हैं। ये इसकी है चार्जिंग केबल, साथ में ये इसका है ट्राईपॉड स्टिक। ट्राईपॉड स्टिक मैं सोच रहा था कि ये ओपन जो होता है तीनों साइड से वैसा कुछ होगा, बट नहीं, बट ये ओपन होने वाला नहीं है, ये नॉर्मल स्टिक है बट काफी अच्छी है और इसका जो हैंडलिंग है वो बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे जो ग्रिप है ये जो आपको स्वेटिंग होगी हाथ में पकड़ते हुए वो इसको सोख लेगा। सो मुझे काफी अच्छा लगा और इस पे भी GoPro की ब्रांडिंग है। सो एक ये हो गया, साथ में इसकी कुछ एसेसरीज है जो माउंट करते हुए हम लोग यूज करेंगे। और साथ में ये रहा हमारे छोटे से GoPro का खाना, मतलब बैटरी। सो साथ में इसमें दो बैटरी भी मिलती है। और ये रहा एक स्ट्रैप। सो जब भी आप साइकिलिंग कर रहे हो, आप बाइक राइडिंग कर रहे हो, आपको GoPro से शूट करना है, सो आपको आप इसको इस तरह से पहन सकते हो और यहाँ पे आपका GoPro माउंट हो जाएगा और आप वीडियोस ले सकते हो। तो ये भी एक बहुत ही चीज है। तो ये सब कुछ है और साथ में ये कुछ GoPro, साथ में ये कुछ मैनुअल्स हैं GoPro के तरफ से जो हमें दिए गए हैं। तो मुझे थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा पहले, वीडियोस देखनी पड़ेंगी और तभी मैं इसको यूज कर पाऊंगा अच्छे तरीके से। और ये रही GoPro की बैजिंग्स, स्टिकर्स जो हम अपने लैपटॉप या बैग कहीं पे भी लगा सकते हो, आप वो अपने वो डिपेंड करता है। सो फटाफट खोलते हैं इस प्यारी सी चीज को और दिखाता हूं मैं आपको। सो करते हैं इसको पहले पन्नी वन्नी इसकी हटाते हैं, मेरे ना हाथ कांप रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा एक कॉस्टली चीज है और मेरे को काफी खुशी भी है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने इतना महंगी गिफ्ट में। सो ये कुछ होने वाला है GoPro 12। ये सामने आपकी स्क्रीन है जहां से जब भी आप शूट करोगे तो आपको दिखेगा, ये उसका कैमरा है, साथ में यहाँ पे बैटरी का स्लॉट्स है, पीछे ये स्क्रीन है और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का बटन है। सो जब मैंने ये वाली जो स्क्रीन मैंने ओपन करी तो यहाँ पे लिखा था कि योर कैमरा, मतलब ये जो डिवाइस है इसको यूज करने के पहले हमें इसको अपडेट करना होगा। तो इसकी जो ऐप है वो हम इंस्टॉल करेंगे और इसके बाद इसको अपडेट करेंगे। तो फटाफट बैटरी डालता हूँ मैं इसके अंदर। बैटरी डालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो थोड़ा सा एक बटन है इसको थोड़ा सा खींचना है और ये आपका बैटरी का स्लॉट ओपन हो जाएगा। तो बैटरी को पहले निकालते हैं इस बॉक्स में से। आई थिंक बैटरी ऑलमोस्ट 40% चार्ज होगी, तो देखते हैं क्या रहता है। सो बैटरी जो डल चुकी है, अब इसको करते हैं ऑन। सो फाइनली GoPro जो है वो ऑन हो चुका है।
और अभी इसकी जो जो नॉर्मल सेटिंग जो इनिशियल सेटिंग्स होती हैं वो इसको हम थोड़ा सेट करते हैं और उसके बाद फिर इसको प्रॉपरली समझते हैं कि कैसे यूज होता है, क्योंकि मेरा ही फर्स्ट टाइम है ये GoPro आई गेस 7-8 से शुरू हुआ, मतलब सीरीज जो थी वो 7-8 से शुरू हुई थी आई थिंक, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, और आई एम ऑल्सो अ बिगनर तो मैंने डायरेक्टली GoPro किया है, तो आई डोंट नो कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, होप सो सारा एक्सपीरियंस बढ़िया हो। जनरली मैं पहले फ़ोन से ही शूट करता था सारी वीडियोज़ अपनी, जो जितनी भी अपने अभी मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 16-17 वीडियोज़ हैं जो सारी मैंने अपने फ़ोन से शूट करी थी। सारे मेरे को फीडबैक भी मिले मेरे फ्रेंड से, मेरे सब्सक्राइबर से, ऑल दो सब्सक्राइबर इतने ज़्यादा नहीं है बट स्टिल लोगों ने वीडियोज़ पे भी एक दो वीडियोज़ पे कमेंट किए थे कि आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो है और आपकी जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो है। सो मेरा प्लान अभी इसको सेटअप करने के बाद मेरा प्लान ये है, एक दो दिन में मैं ब्लूटूथ माइक जो है वो भी परचेज कर लूँगा, तो आने वाली वीडियोज़ में आपको बढ़िया साउंड क्वालिटी और बढ़िया वीडियो क्वालिटी मिलने वाली है, और जैसे आप प्यार दे रहे हो वीडियोज़ पे वैसे आप आगे भी प्यार देते रहिएगा। सो अभी यहाँ पे इंग्लिश आ रहा है, हमने इसको ओके किया, साथ में कुछ आया व्हाई यूजिंग दिस GoPro आई एग्री टू द टर्म्स एंड टर्म ऑफ यूज अवेलेबल एट GoPro, ओके कर दिया, टर्न ऑन योर कंट्रोल योर कैमरा इज यूजिंग योर वॉइस, ओके। सो अभी कुछ ये वॉइस कंट्रोल लैंग्वेज सेट टू बी इंग्लिश, तो इसको मैंने जस्ट अभी कंफर्म कर दिया है, और अभी अभी SD कार्ड में डाला नहीं है तो अभी दिखा नहीं रहा, और बैटरी जो है 97% है, जनरली इतना होता है कि नहीं होता है आई डोंट नो बट इट्स गुड, बैटरी चेक 20% बैटरी लाइफ और 10% व्हेन कनेक्टेड टू पावर, सो दैट्स गुड थिंग। सो जो GoPro जो सेटअप हो चुका है ऑलमोस्ट, और अभी बस SD कार्ड इसमें डालना बाकी है, तो अभी SD कार्ड मेरे पास आया नहीं है, वंस आई गेट द SD कार्ड जैसे ही मेरे को डिलीवर हो जाएगा मैं वीडियो शूट करके फिर आपको या तो अपने इंस्टाग्राम पे दिखा दूंगा, इंस्टाग्राम पे दिखाऊंगा तो उसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना पड़ेगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, और यू कैन डायरेक्टली गो एंड टाइप ट्रैवलर एमी तो यू विल गेट माई नेम ओवर देयर। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, आई नो ये वीडियो ट्रैवल ब्लॉग से हटके है थोड़ा सा, अनबॉक्सिंग वीडियो थी एक, तो मैंने मेरे को लगा कि मेरा मैंने इस बार बर्थडे पे कुछ अच्छा एक गिफ्ट दिया है तो आपके साथ शेयर करूं और आपको भी बताऊं, तो बताइएगा प्लीज़ कैसा लगा। और अभी मैं दो चीज़ें आपको एश्योर करता हूं कि आगे जो आने वाली वीडियो क्वालिटी होगी वो तो बम्पर होने वाली है, बढ़िया होने वाली है, और जो साउंड क्वालिटी है वो भी अच्छी होने वाली है। सो आप अपना जो प्यार है वो ऐसे ही सब्सक्राइबर्स और व्यूज से मेरे को देते रहिए, और तब तक के लिए आप मज़े करिए और इन्जॉय करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अभी आप एंजॉय करिए इसके शॉर्ट्स।